तो गाइस चलिए इसका श्री गणेश करते हैं अब। गाइस बिल्कुल क्रिस्पी टिक्की है, बिल्कुल ही क्रिस्पी टिक्की। ये देखिए गाइस आप, एकदम मजेदार टिक्की है। अभी तक इसमें से धुआं निकल रहा है। हम लोग हमारे चाट वाले भैया पे पहुंच चुके हैं। आप यहाँ मेरे पीछे देख सकते हो HDFC की पार्किंग है और ये भैया का स्टॉल है। आप बेसिकली जैसे ही आप लेफ्ट लोगे ना श्रीफोर्ट ऑडिटोरियम के लिए एक पार्किंग लॉट आएगा, बस उसी पार्किंग लॉट में भैया की सबसे पहली चीज़ आपको दिखेगी वो है दुकान। और इट्स अ नाइस शॉप। इनफैक्ट जब गाइस हम लोग यहाँ पुल ओवर कर रहे थे ना पार्किंग लॉट में, तो हमारी विंडो खुली हुई थी एंड भैया की शॉप से चाट की जो खुशबू आ रही थी वो सूंघते ही गाइस मेरे पेट में चूहे कूदने लग गए हैं। मेरा तो बहुत मन कर रहा है मैं एक बढ़िया सी चाट बनवाता हूँ। भैया ने टिक्की को बिल्कुल प्यारे से कर दिया, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है गाइस। आलू छोले भैया, आलू डाल रहे हैं भैया, उबले हुए आलू में है, उबले हुए आलू डाल दिए भैया ने। मैंने नमक डाल दिया है और ये क्या है भैया? मोटी मिर्ची भैया। अच्छा, और ये हमारे आपके मसाले हैं सारे, सूखे धनिया, इलायची। अच्छा अच्छा अच्छा, काफी सारे मसाले। अच्छा, ये भैया की सीक्रेट आ गया, कह सकते हैं आपकी सीक्रेट रेसिपी है, ये भैया की सीक्रेट रेसिपी हो गई। यहाँ पे भैया हरी चटनी डालेंगे अब सर। ये मैंने हरी चटनी डाल दी बिल्कुल प्यार से। ये मीठी चटनी डाल रहे हैं भैया, बिल्कुल प्यार प्यार से डाल रहे हैं भैया। दही भैया, और ये दही होगी आपकी क्रीमी दही, क्रीमी दही है गाइस, बिल्कुल क्रीमी दही, घर जैसी दही है गाइस। जीरा, और ये गाइस जीरा डाल रहे हैं भैया आप। काला नमक भी आ गया। और गाइस ये अनार के दाने भी डाल दे भैया ने। बारीक भुजिया भैया, और ये बारीक भुजिया डाली जा रही है अब। धनिया, और ये धनिया के साथ भैया ने आखिरी चीज करी है, और ये प्याज के साथ भैया आखिरी चीज करेंगे। और ये हमारे गर्मा गर्म टेस्टी चाट आप देख सकते हो गाइस तैयार है। मैं पहली बार ऐसी प्लेट में चाट खा रहा हूँ स्ट्रीट साइड स्टॉल में। तो गाइस चलिए इसका श्री गणेश करते हैं अब। गाइस बिल्कुल क्रिस्पी टिक्की है, बिल्कुल ही क्रिस्पी टिक्की। ये देखिए गाइस आप, एकदम मजेदार टिक्की है। अभी तक इसमें से धुआं निकल रहा है। गाइस एकदम क्रिस्पी टिक्की है, खाते हुए मजा आ रहा है। बिल्कुल एक परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस है, ना ज्यादा मिर्ची लग रही है ना ज्यादा मीठा है। मैं कहूँगा आप परफेक्ट, मतलब ऑफ कोर्स कैमरा आपको खाने के साथ जस्टिस तो नहीं कर पाएगा, बट आई स्वेयर टू गॉड दिस इज द बेस्ट टिक्की दैट आई हैव एवर हैड। यहाँ परफेक्ट तरीके से हर दाना है इसमें, बिल्कुल क्रिस्पी धुएंदार, बहुत बढ़िया। देख सकते हैं फ्रेशनेस टपक रही है इसमें से, आप देखिए एक बार। बहुत ही बेहतरीन राइड, मेरे अभी तक के बेस्ट गोलगप्पे, मैं ये कह सकता हूँ। ये आटे वाले अभी मैंने आपको उससे पहले सूजी वाला दिखाया था, मैं आपको आटे वाला दिखा रहा हूँ। आप देखिए कितना फ्रेश है, और ये इतना सॉफ्ट है वो मैं जाते ही पिघल रहा हूँ। ये भैया का प्यार वाला गोलगप्पा है, ये दही में बना हुआ है, मतलब गाइस अल्टीमेट। गाइस अगर आप दिल्ली में रहते हो, स्पेसिफिकली साउथ दिल्ली में, दिस इज सम ऑफ द बेस्ट गोलगप्पा दैट आई हैव एवर ईटन माय होल लाइफ, द बेस्ट गोलगप्पा, आई इंसिस्ट टू ट्राई दैट। ये भैया हमारे लिए स्पेशल प्यार का गोलगप्पा बना रहे हैं। मैंने पहले उसमें आलू भर दिया है, थोड़ी सी मीठी चटनी भरेंगे, बिल्कुल प्यार प्यार से भर रहे हैं गाइस। और ये दही डाली है भैया ने, घर जैसी दही एकदम। ये भैया ने जीरा का भाई मुझे यहाँ जल्दी ये बर्गर हो रहे हैं। ऐसे भैया ने ऊपर पनीर का एक स्लॉप भी डाला हुआ है, और ये मेयोनीज डाली है भैया ने। भैया ये होममेड है? हाँ मेयोनीज होममेड नहीं है, बस एक ये भैया पर मेयोनीज भी कोई सस्ते वाली यूज नहीं करे, फन फूड्स की यूज करते हैं, बिल्कुल घर वाले टेस्ट के लिए, ताकि जो हमारे घर में यूज होती है बिल्कुल वही। और कोई कंजूसी नहीं करी भैया ने लगाने में, अच्छे से बिल्कुल, ताकि एक एक बाइट में आए। आप देख ही सकते हैं ऊपर भैया ने टिक्किया डाल दी है, और ये बिल्कुल मैं कालू टिक्की से ज्यादा टेस्टी होगा गाइस, पक्का कह सकता हूँ आपको, गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको, मैं कालू टिक्की से ज्यादा टेस्टी होंगे।
एक्सेसिव तेल निकाला जा रहा है अब उनको लेवल करने। ठीक है सॉरी। और ये भैया ने हमारे लिए स्पेशली खोल के दिखाया है, एक एक लेयर देखिए आराम से, इतने प्यार से बनाई गई है। गाइस यहाँ आप देख ही सकते हैं भैया की टिक्कियाँ और भैया के बर्गर और गोलगप्पे इतने फेमस है। हमारे खाना ख़त्म हुआ नहीं था उससे पहले, यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 लोग आ ही चुके हैं खाना और टिक्कियाँ लेने के लिए। मतलब गाइस भैया ना खाना देखिए, चाट और गोलगप्पे और बर्गर तो हर कोई बना लेता है, बट जो USP है वो गाइस है सैनिटरी सैनिटेशन एंड जो जिस तरीके से प्यार से भैया बनाते हैं एंड जो होममेड तरीका है ना गाइस बनाने का चीज़ों को, देखिए वो चीज़ों में जान डाल दी और वही मिलता है भैया की शॉप पे प्यार का खाना। चलो भैया ये तो हो गया आपके बढ़िया बेहतरीन चाट और जो आपने मुझे बर्गर और गोलगप्पे खिलाया। आप मुझे ये बताया अगर कोई मेरा भाई बंदे या कोई मेरा रिश्तेदार आपको ढूंढना चाहेगा तो कैसे ढूंढे? भैया हमारा वैसे तो GPS पे भी आता है। GPS में डाल सकते हैं? हाँ भैया। तो क्या लिखें GPS पे? राजू चाट कॉर्नर। राजू चाट कॉर्नर लिखते हैं तो आपकी दुकान सीधा मिल जाएगी भैया यहीं पे। ठीक है। और आप ये बताइए सुबह कितने बजे और शाम को कितने बजे तक? हम भैया सुबह 12 बजे चालू करते थे, रात के 10 बजे तक। सुबह 12 से लेके शाम के 10 तक, रात के 10 तक। चलो भैया बहुत बढ़िया यार, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका खाना। मैं दोबारा आऊँगा, आपने मुझे 3 चीज़ें नहीं खिलाई हैं आज, वो मैं अगली बारी खाने के लिए आऊँगा। ठीक है। और भैया आप एक बारी देखिए, दोनों ट्विन्स हैं, वो रवि भैया हैं और ये जीतू भैया हैं, दोनों सेम सेम जैसे दिखते हैं, ट्विन्स हैं दोनों। मैं आपसे दोबारा, आपको कंफ्यूजन भी हो सकती है कि वो भैया कौन से हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद भूल गया था कि ये जीतू भैया वो रवि भैया, पहले मैं नाम गलत बोल दिया था, इसलिए आप इनके हाथ से बर्गर खाना और मेरे हाथ से आलू चाट खाना, फिर आपको पता चलेगा कि रवि भैया कौन से हैं और जीतू भैया। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे जरूर एक प्यार वाला गोलगप्पा जरूर, प्यार वाला गोलगप्पा मैंने दिखाया था भैया लोगों को। थैंक यू सो मच।